जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कानून बनाने जा रही है। इस नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहाँ तक कि जेल का भी प्रावधान होगा। सरकार ने पेपर काउंटिंग रोकने के लिए नए प्लान का ऐलान भी किया है। इसके तहत हर शिफ्ट में दो या उससे ज़्यादा पेपर सेट होने चाहिए। हर सेट के प्रश्न पत्रों की छपाई अलग अलग एजेंसी से कराई जाएगी। साथ ही पेपर कोडिंग की भी व्यवस्था कराई जाएगी। चयन परीक्षाओं के केंद्र के लिए केवल राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ऐसे संस्थानों को ही केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। अब भर्ती परीक्षा कराने के लिए चार एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी और इसके अलावा परीक्षा देने वालों को परीक्षा देने के लिए अपने घर संभाग से बाहर जाना होगा। केवल दिव्यांगों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा और रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही OMR सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। अब प्रश्न पत्र में एक गुप्त कोड भी होगा। प्रश्न पत्र के हर पेज पर यूनिक बारकोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर जैसे गुप्त सुरक्षा चिन्ह लगाने होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी नियम बनाए हैं। प्रश्न पत्र लाने ले जाने के लिए बॉक्सों में मल्टी लेवल पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेट कराने के लिए काफ़ी समय दिया जाएगा। प्रेस में आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी के पास प्रश्न पत्र होना जरूरी है। भारी लोगों को प्रेस में आने की परमिशन नहीं होगी। प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने की भी परमिशन नहीं होगी। प्रेस के चारों ओर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। इस तरह से योगी सरकार ने पेपर लीक को रोकने का नया प्लान बनाया है। थैंक यू।